आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, लेकिन अम्ल और क्षार को समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे। तो पहला सिद्धांत था आरेनियस का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था ब्रांस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत था लुईस का सिद्धांत। तो तीनों जो है बहुत ही आसान है। आपने पहले मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे पूर्णतया डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। आरहेनियस ने क्या बताया था कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर H प्लस आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको अपने क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आरहेनियस ने यही बताया कि जल में घोलने पर, यानी कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या मिलता हो, H प्लस मिलता हो, उन्हें अम्ल कहेंगे, और जो उनको जल में घोलने पर OH माइनस आयन मिलता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आरहेनियस, उन्हें हम क्षार कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में कई सारी कमियां थी जिनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसकी कमियों को दूर करने के लिए दो वैज्ञानिक और आए, ब्रांस्टेड एंड लोरी। उन्होंने ये कहा कि जो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटोन देते हैं, प्रोटोन क्या होता है, एच प्लस ही होता है, प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस ही होता है, यानी कि जो H प्लस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, जो OH प्लस ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसने OH के बारे में कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ यही बताया कि जो अम्ल होते हैं वो H प्लस देते हैं, जो क्षार होते हैं वो H प्लस ग्रहण करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में भी क्या थी, कुछ ना कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए ये आया, कौन सा, लुईस आया। लुईस ने जो अपना अम्ल और क्षार की जो परिभाषा थी वो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पे दी थी। उसने ये बताया कि जो क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे वो क्षार होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो तीनों को हम वन बाय वन क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आरहेनियस, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आरहेनियस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस देते हैं, अम्ल, जो OH माइनस देते हैं, क्षार। ब्रांस्टेड एंड लोरी ने क्या बताया, यानी कि वे पदार्थ जो H प्लस देते हैं, प्रोटोन जिसको हम कहते हैं, H प्लस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोन भी कहते हैं, यानी कि जो प्रोटोन देते हैं, प्रोटोन का मतलब H प्लस, एच प्लस देते हैं वो अम्ल, जो एच प्लस ग्रहण करते हैं वो क्षार। और उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा आ गया, लुईस आ गया। लुईस ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्षार, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो तीनों का हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा इसके अंदर है आरहेनियस सिद्धांत। तो आपने समझना है कि आरहेनियस सिद्धांत क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो आरहेनियस के अनुसार क्या था कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित का मतलब वो टूट जाते हैं, आयनों के अंदर टूट जाते हैं, जब भी आप जल में उसको घोलोगे आयनों में टूट जाते हैं, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन का मतलब एच प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या देंगे वो, H प्लस आयन देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अम्ल के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू किसके, आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस के अनुसार क्या होना चाहिए, उनके पास H होना चाहिए। जैसे हम, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। फिर हम ले रहे हैं HNO3, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद मैं ले रहा हूँ इसके अंदर H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसका ही क्या बना होता है, सिरका, जैसे हम पता है ना अचार के अंदर हम डालते हैं उसको हम जो हम क्या कहते हैं, उसको सिरका कहते हैं। ये किससे मिलके बना होता है, एसिटिक अम्ल से ही बना होता है। इसका 9 से 10% जो जलीय विलयन होता है, यानी कि हम एसिटिक अम्ल कितना ले लेते हैं, 9 ml ले लेते हैं, 9 मिलीलीटर ले लेते हैं, और उसके अंदर
परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या है, 100, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो सिरके के अंदर क्या लेते हैं, 9 ml या 10 ml तो पानी आपका अमल ले लेते हैं और 90 ml उसमें पानी मिला देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है। ठीक है, सिरका का क्या काम होता है, अचार को संरक्षित रखने के लिए, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं आए। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, HCOOH, ये क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, ये किस में होता है, चींटियों में होता है। चींटी हमें काटती है तब हमें क्या होता है, दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि चींटी जब काटती है तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। सूत्र क्या है, HCOOH या HCOOH। एक और होता है अम्ल, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अमल। अब देखिए इसके अंदर हम भी ये H प्लस कैसे देते हैं, HCl लिखा, इसका मतलब ये हो गया अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये आपका ऐसे टूट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। जो एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है, जो पहले लिखा होता है वो धनायन होता है, उस पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। जो बाद में लिखा होता है उस पर माइनस आवेश होता है, ये ध्यान रखना है जब भी सूत्र लिखते हैं। ये 99% हर यौगिकों में होता है, लेकिन लेकिन कुछ यौगिकों में हम बाद में भी लिखते हैं। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो क्या बना, H प्लस बन गया, और क्या बना, Cl माइनस। क्योंकि जो कोई भी यौगिक होता है वो धनायन और ऋणायन जब दोनों मिलते हैं तभी यौगिक का निर्माण होता है। अगर दो धनायन मिल जाएंगे कोई यौगिक नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा क्या बना, H प्लस। आपने किस में घोला, जल के अंदर इसको घोल दिया, तो क्या बना, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा कोई उदाहरण ले लें, HNO3, इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO3। तो ये H निकाल दीजिए, इसको हमने जब निकाला तो क्या बना, H प्लस। पीछे क्या बचा, ये बचा, क्या बना, NO3 माइनस। ध्यान रखना कोई भी यौगिक होता है वो उदासीन होता है, जितना प्लस का आवेश होगा उतना ही क्या होगा उस पर, माइनस का आवेश होता है। फिर हम क्या ले रहे हैं, H2SO4, तो यहाँ पे 2H जो है वो क्या है, बाहर निकलेंगे, तो क्या बना, 2H+। ठीक है, 2H+। अब देखो प्लस के कितने आवेश हो गए, भाई दो हाइड्रोजन है तो एक H पे एक प्लस है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो कितने प्लस आ जाएंगे, दो प्लस। तो SO4 पे भी कितना आवेश आएगा, कितना आएगा, दो माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना कोई भी यौगिक जो होता है वो उदासीन होता है, जितने प्लस के होंगे उतने ही उसमें माइनस होंगे। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ये जो अम्ल होता है सबसे प्रबल होता है, क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है, किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने अम्ल में क्या मिलाया, जल मिलाया, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है, आप जल सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, किसका लेते हैं, चलो एसिटिक अम्ल का ले लेते हैं, CH3COOH। तो इसमें क्या होगा, ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचा, CH3COO, क्या बचा हमारा, ये बचा CH3COO, इसमें माइनस आ गया और क्या बच गया, H प्लस। इसका मतलब ये क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है। आरहेनियस ने क्या कहा कि जो H प्लस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ये लेना है, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो ये H बाहर निकल गया, ये आपका H बाहर निकला, तो क्या बना, H प्लस बना। पीछे क्या बचा, HCOO, क्या बचा, HCOO माइनस बच गया। ये फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, चींटियों में होता है, ये याद रखना है। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका के अंदर होता है। ठीक है, सिरका कैसे बनाते हैं, 9 से 10% जलीय विलयन होता है, किसका, एसिटिक अम्ल का। इसको हम लेते हैं, एक लास्ट वाला आपने और ले लेते हैं, किसका, H2CO3 को और ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर ये कैसे टूटेगा, H2CO3, यहाँ पे ये 2H है, ये बाहर निकल गए, क्या बना, 2H+ बन गया। ठीक है, अब प्लस के आवेश कितने हैं,
दो है, तो इसका मतलब CO3 पे भी क्या आएगा, दो माइनस, जितने प्लस के होते हैं उतने ही माइनस के होंगे, तो 2H प्लस प्लस CO3 ये भी क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल जो होते हैं वो आपने ध्यान में रखना है दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जो एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जिसको आप बोलते हो प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, या जिसको आप क्या कहते हो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, क्या कहते हैं इसको, दुर्बल अम्ल बोलते हैं, या क्या कहते हैं वीक एसिड जिसको आप बोला जाता है। अब देखिए इसके अंदर प्रबल एसिड किसको कहते हैं, यानी कि वो अम्ल जो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाते हैं। प्रबल अम्ल तीन ही है, आपने ध्यान में रखना है प्रबल अम्ल कितने हैं, सिर्फ तीन ही है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, यानी कि वो अम्ल जो अपने आयनों में, जो अपने आयनों में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अपघटित का मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे, जिससे भी मिलकर ये अम्ल बना है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वो तीन ही है, आपने ध्यान में रखना है, एक तो HCl, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है HNO3, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल, और एक है हमारा लास्ट H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों अम्ल जो होते हैं वो हमेशा प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल हमेशा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, इसलिए हमेशा इनका सावधानी से यूज करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। अब हो गया दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, वो अम्ल जो पूर्णतया अपने आयनों में विघटित नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर पूर्ण रूप से, जैसे HNO3 HCl लिया, ये पूर्ण रूप से H+, अगर आप जल में घोला तो H+ और Cl- बना देंगे ये, ठीक है। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होंगे, यानी कि वो अम्ल जो पूर्णतया अपने आयनों में विघटित नहीं होते या अपघटित नहीं होते, विघटित नहीं होते, पूर्णतया नहीं होंगे, वे 20% आयन बन गया, अलग अलग हो गया, 30% बन गए, 40 बन गए, ये निर्भर करेगा आपने उसमें कितना पानी डाला है। तो जो दुर्बल अम्ल है ये जो आपका CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल, क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। HCWH इसका क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल, क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद H2CO3 इसका क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। ये क्या होते हैं बेटा, दुर्बल अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, दुर्बल, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अगर आपने इसको घोला तो कुछ तो क्या बना देंगे, ये बना देंगे CH3COO- और H+ बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही पड़े रहेंगे विलयन के अंदर, CH3COOH के रूप में ही पड़े रहेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ओके, तो आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जल में या अपघटित होकर एच प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब आ जाइए क्षार, हम क्षार किसको कहेंगे, क्षार में आपने भी सिंपल ध्यान में रखना है, अम्ल तो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन देंगे, और वो आपको क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन, क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि अपघटित होकर OH-, जैसे जल होता है, जल क्या होता है, H2O होता है, ये किससे मिलकर बना होगा, ये ऐसे ही बना होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O को क्या लिख सकते हो बेटे, आप ऐसे लिख सकते हो HOH। अब इसको आप तोड़िए, इसको इधर गया तो ये क्या बना, H पे प्लस, और OH पे क्या बना, माइनस बना, यानी कि जो H+ देंगे वो अम्ल होंगे, जो OH- देंगे इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर OH- देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ,
जैसे ये ले लिया NaOH, लिया KOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये ले लिया NH4OH, NH4 को हम बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम तीन चार एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए इसके अंदर कैसे बनेगा NaOH, ये Na आपका इधर चला गया, OH इधर, तो पहले जो होता है वो उस पर प्लस आवेश होता है, तो क्या बन गया Na पे प्लस, और क्या बना OH माइनस, और आपने गोला किस में, इसको जल में गोला, ध्यान रखना है कि आरिनियस ने जल में गोलने पे बताया, तो क्या बना Na प्लस और OH माइनस बन गया, क्या दे रहा है OH माइनस। इसका मतलब NaOH क्या है आपका, क्षार है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे KOH ले लिया, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना, ये K को इधर निकाल देंगे और OH को इधर, ये इधर, ये इधर, तो क्या बना K पे प्लस और OH पे क्या आपका आ गया माइनस। इसका मतलब क्या दे रहा है, ये आपका जल में आप घोलोगे तो क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। जैसे ये ले लिया NH4OH ले लिया, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको घोला, क्या बना NH4 पे क्या आ गया, ये इधर चला गया और ये इधर बच गया, तो इसके ऊपर क्या आया, OH माइनस आ गया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ओके, तो NH4 और OH माइनस दिए, जो OH माइनस देगा वो क्षार कहलाएगा, जो H प्लस देगा वो अम्ल कहलाएगा। अब क्षार भी क्या होते हैं, दो तरह के होंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। कौन कौन से, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के हैं, क्षार भी हमारे कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, कौन कौन से, प्रबल क्षार, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा कौन सा है, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार वही प्रबल अमल की तरह परिभाषा, यानी कि वे क्षार, अमल की जगह आपने क्या लिख देना है, क्षार लिख देना है, वे क्षार जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। ये जितने भी होते हैं NaOH, KOH, ये जितने भी हैं, जैसे अगर आपने आवर्त सारणी में थोड़े तत्व देखे होंगे, जिस्म के अंदर सोडियम आता हो, पोटेशियम आता हो, ये सारे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। प्रबल क्यों है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से Na प्लस और OH माइनस में रहेंगे, K प्लस और OH माइनस के अंदर विघटित रहेंगे, अपने आयन बना देंगे। दुर्बल क्षार के अंदर आप क्या ले सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल थ्राइस। ये बना कैसे, AlOH का होल थ्राइस जो है, होल थ्री, ये बना कैसे, एक्चुअली एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है, कितना होता है, 13 होता है। 9th में आपने पढ़ा होगा इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2, 8, पहले में कोस में 2 जाता है, दूसरे में 8 जाते हैं, तीसरे में अधिकतम हम 18 भर सकते हैं, लेकिन हमें भरने कितने हैं, टोटल 13, तो 10 तो भर चुके, उसके बाद कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक लुईस एक साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था कि अगर बाह्यतम कोस में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो जो एलिमेंट है, तत्व जो होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन या तो दे सकते हैं या ले सकते हैं या साझा कर सकते हैं, तो वही करेंगे स्थाई होने के लिए। हम पढ़ते क्यों हैं, स्थाई होने के लिए, ताकि नौकरी लग जाए, वैसे ही तत्व होते हैं कि वो स्थाई होना चाहते हैं। तो इसके बाह्यतम, ये जो सबसे बाहर लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोष बोला जाता है। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्थायी होने के लिए कितने और चाहिए, 5 और चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 5 चाहिए। ये दो काम कर सकता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, या क्या करें, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। जब इसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले तो इसके पास कितने बच गए, अब 8 बच गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्थायी हो गया।
अगर उसमें दो तरीके हैं, या तो पांच इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये पांच इलेक्ट्रॉन लेगा तो पांच इसमें जुड़ के कितने हो गए बाह्यतम कोश में, आठ हो गए, या फिर ये क्या करे ये तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दिया तो क्या बना इसका, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतना ही प्लस आवेश आता है, ये ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो प्लस आवेश आता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस आवेश आता है। तो इसने क्या किया, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो क्या बना, Al3+ बन गया, क्या बना, Al3+ बना, और तीन इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतना ही आवेश आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम पे कितना आवेश है, कितना आवेश है, प्लस थ्री है, एल्यूमिनियम पर आवेश कितना है, प्लस थ्री है, और OH पे आपने ध्यान में रखना होता है माइनस वन आवेश होता है। जब भी कोई यौगिक बनता है तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, फिर ये जो ऊपर लिखा होता है वो अपोजिट चला जाता है, अगर यहाँ पे कुछ होता तो वो इधर आ जाता, और अगर यहाँ पे लिखा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर दोनों को साथ साथ में लिख देते हैं, तो क्या बना, Al OH का OH, ये थ्री इधर चला गया, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में करके होल थ्री कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये यौगिक बनता है, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया इसके अंदर, NH4OH, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है, तो दो आपने कम से कम दुर्बल अम्ल के याद रखना है। उसके बाद होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण में क्या, अम्ल ने क्या दिया, H+ दिया, क्षार ने क्या दिया, OH- दिया, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, H2O बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, किसके बारे में हो गया आपका, ये आर्हेनियस के बारे में, आर्हेनियस सिद्धांत के बारे में हो गया। लेकिन इसकी कमियां क्या थी, आर्हेनियस की जो है वो मुख्यतः कमियां क्या है, एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि आर्हेनियस ने क्या कहा, अम्ल किसको कहते हैं, जो H+ देते हैं, लेकिन H+ जो है, आर्हेनियस ने ये कहा कि जो H+ देंगे वो अम्ल होंगे, है ना, यही कहा था। लेकिन H+ जो होता है इसका आकार क्या होता है, जो इसका आकार है बेटा वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, आकार क्या है, बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जब इसका आकार बहुत छोटा होगा ना तो इसमें क्या होता है, आकर्षण बल पैदा हो जाता है, क्या हो जाता है, आकर्षण बल, क्योंकि हम क्या करें, अम्ल को किस में घोल रहे हैं, पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसके बहुत ज़्यादा आकर्षण के कारण ये वापस से जल से अभिक्रिया कर लेता है, किससे कर लेता है, जल से। अब इनको जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, दो थे और एक ये, क्या बना, तीन, H3 बना O, और ये प्लस का यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, आयन, ठीक है। इसके अनुसार तो ये आर्हेनियस का जो सिद्धांत ही गलत हो गया, वास्तव में जो H+ है वो किस रूप में रहता है, H3O पॉजिटिव के रूप में रहता है। अतः आर्हेनियस ने तो क्या कहा था कि अम्ल जो होते हैं वो H+ देते हैं, लेकिन वास्तव में जो आपका H+ जो होता है वो किस रूप में रहता है, H3O+ के रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं रहता, क्यों, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है, छोटा होने के कारण इसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, तो वापस से ये जल से अभिक्रिया कर लेता है और किस रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, ये ध्यान में रखना है आपने। दूसरी इसकी ये कमी थी कि कई ऐसे अम्ल होते हैं जिसके पास हाइड्रोजन होता ही नहीं, हाइड्रोजन होता ही नहीं फिर भी वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे मान लिया कि मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, CO2, CO2 को क्या हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या आपका NO2 गैस हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एस सल्फर बोलते हैं, ये आपका नाइट्रोजन, ये देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये सारे के सारे तीनों, CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2, कौन सी प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के, लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन है, नहीं है, जब इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो आप जल में घोलेंगे तो H+ देगा ही नहीं, इसका मतलब आर्हेनियस के अनुसार तो ये अम्ल होने नहीं चाहिए,
लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ओके, तो इसके बारे में आर्हिनियस नहीं समझा पाया कि ये अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं। ठीक है, आर्हिनियस ने इनके बारे में कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये एच प्लस नहीं देंगे, इसका मतलब ये अम्ल नहीं होने चाहिए, परंतु वास्तव में ये क्या होते हैं, सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो आर्हिनियस इसको नहीं बता पाया। नेक्स्ट, इसकी कमी थी, कुछ ऐसे क्षार होते हैं जिसके पास OH- नहीं होता, कुछ ऐसे क्षार भी होते हैं जैसे MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaO, इसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं, ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है। देखो इसके अंदर OH है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्षार आर्हिनियस के अनुसार क्या कहा था उसने कि अगर आप जल में घोलेंगे जो OH- देते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन इनके पास तो OH है ही नहीं, ओनली OO है, H नहीं है, OH नहीं है इसके पास, इसका मतलब ये क्षार नहीं होने चाहिए, परंतु ये क्या होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इसे भी आर्हिनियस नहीं बता पाया कि ये क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि ये यौगिक बना कैसे, ये यौगिक MgO बना कैसे है, जैसे देखिए बेटी, क्योंकि ये जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि MgO बना कैसे, वह आप कोई भी यौगिक नहीं बना पाओगे। तो मैग्नीशियम जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, तो इसका मतलब प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे में 8 गए और तीसरे में कितने गए, 2 चले गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन बने, इसका मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्थाई होने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 8, तो क्या करेगा ये, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या क्या करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो इजी मेथड कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, इसमें क्या बना, 2 8 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ये लीजिए मैं लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है उतना ही प्लस आवेश आ जाता है, तो मैग्नीशियम पे कितना आ गया, प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 8 होगा, 8 होता है, तो क्या होगा, 2 और 6, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ये 6 तो है, 2 चाहिए इसको, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ऋण आवेश आ जाता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 ऋण आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 3 ऋण आएगा, 4 लेगा 4 ऋण आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, Mg पे 2 प्लस है और O पे 2 माइनस है, तो हम क्या करते हैं, प्लस से माइनस को उड़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अगर आवेश समान है तो वो भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये इधर भी 2 है इधर भी 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाते हैं, बचा क्या, MgO, इस तरह से क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, आर्हिनियस सिद्धांत के बारे में हमारा पूर्ण हो गया है। कल हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे ब्रांस्टर्ड एंड लोरी और लुईस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे।